फिर से एक बार बेहतरीन गेंदबाजी जहीर, जिस तरीके से वो हर बार आते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी ईशांत शर्मा की झलकियां हैं उनमें कि वो रन इन करते हैं हर बार, अपना 100% देते हैं। 4 विकेट्स निकाले इस पारी में उन्होंने, 30 ओवर गेंदबाजी करी है, और जिस तरीके से आए वो आखिरी सेशन में, दिन का अंत है जहीर, पूरे दिन गेंदबाजी कर रहे हैं आप, पूरे दिन फील्ड में थे, आज हमने देखा धूप भी थी, शायद थोड़ा गर्म भी रहा होगा, उसके बावजूद आप आखिरी सेशन में आते हैं 140 के आसपास की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे हैं, और जो रूट जो शायद अपनी जिंदगी की सबसे बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे उनका डिफेंस बीट करते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। बहुत बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं सिराज, इसमें कोई शक नहीं, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि मतलब लॉर्ड्स का मैदान है, हर कोई स्लोप की बात करता है, हर कोई हिस्ट्री की बात करता है कि इस ग्राउंड का क्या इतिहास है, उस लीडर बोर्ड की बात करते हैं जो ड्रेसिंग रूम में लगे हुए, तो सिराज को भी कहीं ना कहीं पता था, जोर बहुत लगाया उन्होंने, बहुत कोशिश की, और मैं भी जब देख रहा ना तो यही फील कर रहा था कि मतलब कि 5 विकेट हो जाए ना तो इन्हें, ये इतना जो मेहनत थी पूरे दिन की, उनको और ज्यादा सुकून मिलता अगर वो नाम अपना लगाने में वहां पर बोर्ड पे कामयाब हो जाते, क्योंकि इतने नजदीक थे, और कोशिश भी की, इसलिए कप्तान कोहली ने उन्हें वापस भी लाया था कि चलो आप लास्ट विकेट है, एंडरसन को या रूट को वापस आउट करके अपना नाम उस बोर्ड पे ले जाइए, लेकिन हो ना सका। एक बार आपके साथ भी हुआ था ऐसा, 4 विकेट पे अटक गए थे आप, मैं चेक कर रहा था आज। जी बिल्कुल, मैं और आरपी सिंह उस मैच में ये था ना कि मैं और आरपी सिंह दोनों 4-4 विकेट पे थे, और फिर लास्ट में मतलब ऐसे था कि अगर जिसको विकेट मिली तो आरपी सिंह उस टाइम ले गए, लेकिन खुशी इस बात की है कि उस सिटिंग में कोई ना कोई गेंदबाज तो उस लॉर्ड्स के लीडर बोर्ड पे गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, शार्दुल ठाकुर और सिराज के साथ भी ऐसा ही था कुछ गैबा टेस्ट में, वहां पर छोटी मोटी नोकझोंक अच्छी लगती है जब चलती है तो, लेकिन जिस तरीके से विकेट्स निकाले मोहम्मद सिराज ने जहीर, और जो विकेट्स निकाले, मतलब गेंदबाजी की तारीफ तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो विकेट्स निकाले उन्होंने वो कितने महत्वपूर्ण थे, अगर आप एक नजर डालें तो उन्होंने सबसे ऊपर डोमिनिक सिबली का विकेट निकाला, फिर बड़ा विकेट जॉनी बेयरस्टो का, उसके बाद नीचे आकर जिस तरीके से ऑली रॉबिन्सन को आउट करा, तो ये कहीं ये जिस तरीके से, और ऊपर सिबली और हमिद को तो बैक टू बैक आउट करा, तो हर बार जब गेंद लेकर आते थे, कल भी हम बात कर रहे थे कि कप्तान जब किसी को ढूंढता है कि भाई कौन दिलाएगा मुझे विकेट, तो सिराज कप्तान की आंखें ढूंढ रहे होते हैं कि वो किसी तरीके से मुझे गेंदबाजी दे दें, ये एक बहुत बड़ा एसेट किसी भी कप्तान की। जी बिल्कुल, और जो बैक टू बैक विकेट्स लिए वो तो है ही, क्योंकि उससे एक टोन सेट हो गया उस इनिंग्स के लिए, और उसके बाद जब पार्टनरशिप हो रही थी ना, और जब उन्होंने बेस्ट्रो को आउट किया, तो उस टाइम आप नजर डालिएगा कि गेंद पुरानी थी, उस टाइम इतना आसान नहीं था गेंदबाजों के लिए, तो वहां से एक रणनीति के साथ आए और टीम के रणनीति के साथ जुड़े रहे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ विकेट लेना एक जरूरी तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा ये भी जरूरी था कि ज्यादा रन ना जाए, तो उस मौके की नजाकत को समझना और टीम के प्लान के साथ चलना, मैं समझता हूँ वो विकेट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फेज था गेम का, क्योंकि रूट और बेस्टो की पारी पार्टनरशिप बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक साबित हो सकती थी, तो वो ब्रेक थ्रू दिला, और उसके बाद लोअर ऑर्डर में भी जो ऑली रॉबिन्सन को उन्होंने आउट किया है, वहां पे एक रिव्यू भी काफी बार, मतलब सिराज को भी ये पता है कि एक बार पैड पे मारने से मुझे कप्तान साहब रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे, 3-4 अल्टीमेटली अंपायर ने भी वो डिसीजन दिया कि 3-4 पैड पे मारा, एक बार तो लग रही होगी विकेट पे गेंद, तो वो भी एक दिलचस्प नजारा था, लेकिन तने जिस तरीके से इन्होंने इंटेंसिटी बरकरार रखी ना, वो काबिले तारीफ है कि पूरे इनिंग्स में इनकी 30 ओवर करते हुए भी कई ऐसे लगा नहीं कि सिराज इंटेंसिटी में चूक रहे या उनकी वो बॉडी लैंग्वेज जो थी पहले ओवर में वही आखिरी ओवर तक।